हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकुश आपका स्वागत करता हूँ हमारे नए इस वीडियो में। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं आपको एक्यूरेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जो ग्रेटर नोएडा के स्थित है, इस कॉलेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ बातें कर लें यहाँ पहुँचने का कितना आसान और समाधान रास्ता है। सबसे पहले यहाँ पे जो मेट्रो है इसके नियर में है, अंडर 2 किलोमीटर्स, बस स्टॉप अंडर 2 किलोमीटर, और नई दिल्ली से 40 किलोमीटर्स हटके ये कॉलेज स्थित है। इस कॉलेज के अगल बगल बहुत सारे कॉलेज हैं। मैं इस कॉलेज के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, मैं इस कॉलेज का समीक्षा और इस कॉलेज में अपनी अध्ययन पूरी की। सबसे पहले इस कॉलेज का कुछ वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वीडियो पे बने रहिए, पूरा देखिए, आपको इस कॉलेज के बारे में मैं पूरी बातें बताऊंगा। We provide students with the exposure of digital marketing, business analytics. We provide foreign tour to the students, where students get an exposure of global marketing and understanding. The biggest strength with this program is that we are vetted every year by the experts of the industries and other academia. Program goes with attuned with the industry, where the experts are every year coming and telling the students at the academic fraternity with the upbringing in the corporate world. सबसे पहले हम कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर और यहाँ पे देखने लायक है। क्लासरूम, वॉशरूम, लैब या फिर जितने भी ट्रेनिंग सेक्शन एरिया है, वो सब की बातें करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से और ढंग से स्थित है। खाने पीने की आउटलेट की बातें करें तो काफ़ी साफ सुथरा और उसे नियमित रूप से साफ करते हैं। खाने की बातें करें तो खाना भी हाइजीनिक होता है और इस कॉलेज के हॉस्टल का भी खाना बहुत ही अच्छा होता है। बिल्डिंग की बनावटी की बातें करें तो इस बिल्डिंग की बनावटी काफ़ी अच्छी है। इस कॉलेज का जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 2004 में हुआ था। और इस कॉलेज की क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम भी बहुत ही विशाल है। और एसी की बात करें तो इस कॉलेज में एसी भी लगा हुआ है और कॉलेज में हर गेट पे सिक्योरिटी की मौजूदगी रहती है। और इस कॉलेज का एक खास और बात है, इस कॉलेज में सेंट्रल लाइब्रेरी भी है जो कि हमेशा आपके लिए खुला रहता है। इस कॉलेज का सेंट्रल लाइब्रेरी बहुत ही बड़ा है जिसमें सभी तरह की किताबें रहती हैं। हम इसमें एकेडमिक की बातें करें तो इस कॉलेज में टीचर अच्छे हैं और आपकी हर समस्याओं को वो समझते हैं। वे परीक्षा के लिए पीपीटी नोट्स और अदर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ के टीचर स्टडी के स्पीड को ऑपरेट करते हैं। अगर आप इन्हें धीरे धीरे पढ़ाने के लिए कहें तो इसके लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। कॉलेज इज नॉट ओनली अप टू living up to my expectation but beyond my expectation. I like the holistic development concept of holistic development of students, in which they are getting the students out of their traditional belief of textbook environment to the practical life. I like the teaching methodology, it is a unique and progressive one, and I do a lot of live projects. We go for industrial visits. Ab hum placement se kuch judi baatein hain wo main bataun तो हमारी कॉलेज में कई कंपनियां आती हैं, जैसे कि TCS, मारुति सुजुकी, या फिर अगर आप BTEC CS यानी कंप्यूटर साइंस से हैं तो आपको बहुत सारे कंपनियां यहां आती हैं। आप इस वर्ष अगर मेहनत कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से मेहनत करके पढ़ाई अपनी कंप्लीट करिए, आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगी। वे इंटर्नशिप भी कराते हैं जो एक छात्र को शुरू करने में मदद करता है। आपको आपके लिए प्लेसमेंट प्राप्त करने के लिए भाषा, डेटा, संरचना और एल्गोरिथम भी सीखने पर ध्यान देना होगा।
AI और ML इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है और भविष्य है इसके अपने पहले वर्ष में तलाशना शुरू करें। आपको वह करना होगा जो दूसरे नहीं कर रहे हैं और के साथ आप कभी मत जाएं। Hostler, we don't get a chance to celebrate different functions and different festivals. So the college also organizes different festivals, functions, and they celebrations for us only. So we enjoy with those functions. Value for money की बातें करें, तो इस college का fee structure under 5 lakh में है. और मैं exact नहीं approx बता रहा हूँ. ये Greater Noida के सारे college under 5 lakhs के अंदर आते हैं. अगर आप interested हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अच्छी गाइड बिना शुल्क यानी कि फ्री कंसल्टेंसी के माध्यम से दिया जाएगा। और कुछ अनुभव अच्छा है और हालांकि मैंने इसका आनंद पूरा लिया है, मैं अब तक की यात्रा के आधार पर इसको समीक्षा किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Do like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you, दोस्तों.